आज हम भी अश्लील बात करें ना तो हमारा भी मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाएगा, मिलियन में व्यूज जाएगा। तो खान सर क्या करते सबको पता है, लड़का लड़की का बात, सीबीएसई लड़की स्कर्ट कितना छोट पहनती है, तो लिपस्टिक कैसे लगाती है, तो बाल कैसे रंगती है, तो आँख कैसे मारती है। अगर हम भी आज अगर सनी लियोन गांधी मैदान पटना में आ जाए तो गांधी मैदान भर जाएगा। पटना के तो एक दो शिक्षक है जो बोलते हैं कि रात में हमको मुख्यमंत्री का फोन आता है, सुबह में आता है फोन, मुख्यमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं, बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिल के आ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास, तो इतना तो झूठ बोलते हैं पटना के ऐसे ऐसे महान शिक्षक। एक शिक्षक जाते हैं, कभी नीतीश कुमार जी से मिलते हैं, कभी मनीष वर्मा जी से मिलते हैं, कभी अशोक चौधरी जी से मिलते हैं, तो वो स्टूडेंट्स की बात करने के लिए नहीं जाते हैं, वो अपना हित साधने के लिए जाते हैं और जाँच एजेंसी पर पोलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए जाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो सिर्फ रंगा सियार है ये लोग। ये लोग जो है बिहार के स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं, बिहार के स्टूडेंट के सपनों को बेच रहे हैं, सपनों के सौदागर है ये, कैरियर का सौदागर है। टीआरपी बटोरने की बात नहीं, हम खान सर का डायरेक्ट नाम लेते हैं, पेपर लीक TRE3 का, तो हम उस समय भी हमने कहा था कि खान सर की भूमिका की जांच हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज, ब्रजेश कुमार के साथ छात्र नेता दिलीप से हम बात करेंगे। दिलीप, लेकिन बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, कई बार जो है मिले हैं, बातें किए हैं, क्या बच्चों को जो समस्या का जो समाधान है उनको इस बात रखते हैं या कुछ अपने ही गोलमटोल? देखिए, ये बहुरूपीय शिक्षक जो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलते हैं, पटना के तो एक दो शिक्षक है जो बोलते हैं कि रात में हमको मुख्यमंत्री का फोन आता है, सुबह में आता है फोन, मुख्यमंत्री जी दिल्ली में रहते हैं, बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिल के आ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से, तो इतना तो झूठ बोलते हैं पटना के ऐसे ऐसे महान शिक्षक। वो जाते हैं, जो भी एक शिक्षक जाते हैं, कभी नीतीश कुमार जी से मिलते हैं, कभी मनीष वर्मा जी से मिलते हैं, कभी अशोक चौधरी जी से मिलते हैं, तो वो स्टूडेंट्स की बात करने के लिए नहीं जाते हैं, वो अपना हित साधने के लिए जाते हैं और जांच एजेंसी पे पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए जाते हैं कि जांच एजेंसी उन पे हाथ ना डाले, बस यही है सीधा पंडा। वो तो बोले थे कि डोमिसाइल लागू करेंगे, TRE3 में लागू होगा, TRE4 में होगा, वो तो बोले थे कि TRE3 के रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होगा, कहाँ काउंसलिंग हुआ, तो वो तो झूठ बोलते हैं। तो सिर्फ रंगा सियार है ये लोग। ये लोग जो है बिहार के स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं, बिहार के स्टूडेंट के सपनों को बेच रहे हैं, सपनों के सौदागर है ये, कैरियर का सौदागर है। तो ऐसे शिक्षकों से, कोचिंग शिक्षकों, बहुरूपियों से स्टूडेंट्स को बच के रहना होगा, नहीं तो स्टूडेंट्स की ज़िंदगी और कैरियर दोनों को ये लोग तबाह कर देंगे। कहीं नहीं लग रहा है कि खान सर का नाम लेकर TRP बटोर रहे हैं? TRP बटोरने की बात नहीं, हम खान सर का डायरेक्ट नाम लेते हैं, पेपर लीक TRE3 का, तो हम उस समय भी हमने कहा था कि खान सर की भूमिका की जाँच हो, और खान सर से हमारी पहचान नहीं है। जिस समय खान सर को नहीं कोई जानता था ना, उस समय से हम आंदोलन कर रहे हैं और हमको TRP का भूख भी नहीं है। खान सर के सामने देखिएगा तो व्यूज के मामले में तो हम कुछ नहीं है, खान सर का व्यूज मिलियन में रहता है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख, हो सकता है 1 करोड़ भी। मेरा कितना व्यूज रहता है, 2000 4000 5000 10000 20000 50000, बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा। तो हम व्यूज के चक्कर में नहीं रहते हैं। आज आपको पता चला होगा, इलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र में, गिनती हुआ, कोई खड़ा हुए थे चुनाव में, तो उसका फॉलोअर्स था शायद 56 लाख और उसको वोट कितना मिला, 116। तो ये व्यूज से फॉलोअर से कुछ नहीं होता है, ये तो बनावटी दुनिया है। अगर हम भी आज अगर सनी लियोन गांधी मैदान पटना में आ जाए तो गांधी मैदान भर जाएगा, लेकिन खान या कोई चले जाए, खान सर या कोई सर या कोई मुख्यमंत्री ही चले आए तो नहीं गांधी मैदान भरेगा। नरेंद्र मोदी जी भी आए तो गांधी मैदान पूरा नहीं भराता, लेकिन सनी लियोन आ जाए तो पूरा गांधी मैदान भर जाए। आज हम भी अश्लील बात करें ना तो हमारा भी मिलियन में सब्सक्राइबर हो जाएगा, मिलियन में व्यूज जाएगा। तो खान सर क्या करते सबको पता है, लड़का लड़की का बात, CBSE लड़की स्कर्ट कितना छोट पहनती है, तो लिपस्टिक कैसे लगाती है, तो बाल कैसे रंगती है, तो आँख कैसे मारती है, ये सब पढ़ाएगा, ये सब वीडियो बनाएगा, वायरल करेगा, तो रील्स बनाएगा, तो व्यूज जाएगा ही। अश्लीलता लोगों को पसंद आता है, जो अश्लील बात करेगा ना तो उसका वीडियो वायरल होता है। तो हम लोग वैसे नहीं है, हम लोग संस्कारी हैं, संस्कारी, और जो रियल में होना चाहिए नेतृत्व वो देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं अभ्यर्थियों को। हम उन लोगों की तरह गुमराह नहीं करते, जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं कि दो मुहा सांप की तरह अंदर कुछ बोल रहे हैं बाहर कुछ बोल रहे हैं। कल आप देखिए, बहुत सारे लोग चलाए कि खान सर जो है 50,000 स्टूडेंट का टेस्ट ले रहे हैं, BPSC सिविल सेवा 17वीं का, हम दावे के साथ कर रहे हैं, दिखा दे 50,000 स्टूडेंट, हम खान सर के खिलाफ बोलना छोड़ देंगे। खान सर में कुछ खूबियाँ हैं उसका भी हम तारीफ करते हैं, लेकिन जहाँ गलत करेंगे, कोई भी हो, स्टूडेंट को गुमराह करेंगे, कोई भी हो, मेरा भाई भी क्यों ना हो, मेरे पिताजी भी क्यों ना हो, अगर स्टूडेंट को गुमराह करेंगे, स्टूडेंट के खिलाफ कोई काम करेंगे तो हम उनका विरोध करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट हित में काम करने के लिए हमने बहुत त्याग किया, हमने अपनी नौकरी छोड़ दिया है, तो हम कैसे किसी का बर्दाश्त कर लेंगे भाई कि स्टूडेंट के खिलाफ कोई बोलेगा। हमारे पास ऐसा ऑफर आया है कि 2 घंटा में करोड़पति बन सकते हैं, सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ नहीं बोले, ऐसा ऑफर आते रहता है। और आपको क्या लगता है, जिस खान सर का आप बोले कि व्यूज बटोर रहे हैं और TRP के लिए कर रहे हैं, वही खान सर को हम एक बार बोल दे और ऑफर भी बहुत जगह से आया है,
तो लाखों रुपया हमको मिल जाएगा कि सर कि सिर्फ मेरा नाम नहीं उजागर कीजिए फलना चीज़ में फलना चीज़ मेरा विरोध नहीं कीजिए। बहुत सारे सेटर का टीचर का फोन आता है कि चुप हो जाइए पेपर लीक के खिलाफ काहे बोलते हैं, पैसा कमाइए करोड़पति हो जाएगा पैसा काम देगा। दिव्यांग पे बोले फर्जी दिव्यांग लगा के लोग TRE3 में आ गया उसकी जाँच हो तो फोन आने लगा हमारे पास कि काहे ये सब मुद्दा उठा रहे हैं, चुप रहिए आपको क्या फ़ायदा है मुद्दा उठाने से। तो हम पैसा के लिए व्यूज के लिए काम करते ही नहीं है, अगर उसके लिए करते तो आज हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती, कौन कौन महंगा गाड़ी होता है मर्सिडीज या फॉर्चूनर और कौन आजकल चला है थार कौन कौन गाड़ी वो सब गाड़ी होता, आप पैदल नहीं चलते यार हवाई चप्पल में या मामूली चप्पल में नहीं चलते, मामूली चीज़ नहीं पहन के चलते, हम भी फोर व्हीलर से चलते या 10 गो रखते। तो पैसा आना कोई बड़ी बात नहीं, आज भी हमारे पास आ जाएगा करोड़ों रुपया आ जाएगा सिर्फ एक बार, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना ईमान बेचना पड़ेगा, अपना ज़मीर बेचना पड़ेगा, बेईमानी करनी पड़ेगी और छात्र हित से समझौता करना पड़ेगा, जो कि दिलीप कुमार नहीं कर सकता। दिलीप कुमार मरना पसंद करेगा, पैदल चलना पसंद करेगा, लेकिन बेईमानी पसंद नहीं करेगा। मेरी जो ताकत है ईमानदारी और सच्चाई है, और इसीलिए आज देखिएगा कि पेपर लीक हम उजागर किए, मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चन भेज दिए सरसठवीं का, TRE3 का पेपर लीक उजागर किए, CGL3 का पेपर लीक उजागर किए, सिपाही पेपर लीक उजागर किया, हमको उससे क्या फ़ायदा हुआ, एक रुपया मिला क्या, नहीं, उल्टे टॉर्चर होना पड़ा पुलिस से, उठा उठा के पुलिस ले जाती पूछताछ करने के लिए, मेरा अकाउंट चेक किया जाता है कि कहीं से पैसा तो नहीं आया है, सारा जांच हुआ कुछ नहीं मिला। तो हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं क्योंकि हमने वो भुगता है कि पेपर लीक होता है तो क्या कष्ट होता है एक अभ्यर्थी को, एक छात्र को, एक टाइम जो लास्ट जो महीना होता है ना 10 दिन 12 दिन बचता है तो पैसा नहीं रहता है पॉकेट में, कभी कभी होता है कि दिन में खाना खाए रात में भूखे सोना पड़ता है, कभी कभी हुआ कि दिन में लेट से खाना खाते ताकि रात में नहीं खाना खाए। अभी भी लोग ऐसे स्टूडेंट हैं, हमने भी इस चीज़ को झेला है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करें, पेपर लीक धांधली चीज़ को ख़त्म करें। इसलिए आप देखिएगा कि बड़ा से बड़ा नेता का नाम हम लेने में नहीं डरते हैं, बड़ा से बड़ा टीचर हो कोई हो, खान सर से हमको कोई दुश्मनी थोड़े है, खान सर टीचर हैं, हम छात्र नेता हैं, एक अभ्यर्थी रहे, एक अभ्यर्थी से छात्र नेता बन गए, तो खान सर से तो हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, वो तो कोचिंग चलाते हैं, हम तो कोचिंग चलाते भी नहीं हैं। तो इसीलिए अगर खान सर छात्र हित में काम करें तो हम उनकी तारीफ करेंगे, उनका नाम लेकर उनकी तारीफ करेंगे, हमको उनसे कोई दुश्मनी थोड़े है, वो UP के, हम बिहार के हैं, कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है मेरा उनसे, अगर वो अच्छा काम करे तो हम तारीफ करेंगे, लेकिन ये जो गलत कर रहे हैं तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। चलिए, खान सर गलत कर रहे हैं छात्रों के हित में, लेकिन ऐसा कहना छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं खान सर, या फिर मनीष वर्मा से मिलने जाते हैं, नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं अपनी बचने के लिए, क्योंकि सत्ता से जब अगर मिलेंगे, सत्ता से संरक्षण उनको प्राप्त होगी तो उन पर कोई जो है एजेंसियाँ कार्रवाई नहीं करेगी। तो अभी तक फिलहाल इतना ही, बने रहे रिपब्लिकन न्यूज पर, धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।